एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज है भाई संडे 7 अगस्त। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमने KTM RC मॉडिफाई कराई है, मतलब मेरे दोस्त ने, तो वही दिखाऊंगा KTM RC कैसी लग रही है। भाई काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स में उसने बना लिए हैं। तो मैं अभी अपने घर पर हूँ, अपने घर से मैं जाता हूँ, मेरे घर के बगल में इसका रूम है, तो वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि उसने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, और थोड़ा थोड़ा KTM RC को चलाएँगे अभी और देखेंगे कि कैसा सब है। तो चलो चलते हैं। तो भाई आप देखते हैं, आ चुका हूँ मैं सोम के रूम पे और दिखाता हूँ भाई कैसी लग रही है अपनी KTM। पीछे खड़ी है तो ये देखो भाई, ये देखो यार कितनी, ये ग्राफिक्स देख रहे हो, ये इसने भाई ये ग्राफिक्स पूरे में करा रखे हैं। और आप ही अभी आगे लास्ट में जाके दिखाता हूँ कि मतलब ये गाड़ी लग कैसी रही है यार, और कॉस्ट भी बताऊँगा कितने में, टेपिंग वेपिंग उसकी पूरी हुई है आगे पीछे जो हर जगह का है, तो पूरी डिटेल दिखाता हूँ। तो चलो अभी गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से, सोम थोड़ी देर में कपड़े वपड़े चेंज करके आ रहा है, तो गाड़ी निकालते हैं और थोड़ा साइड मतलब थोड़ी अलग सी जगह में चलते हैं और फिर देखते हैं भाई कैसी लग रही है अपनी गाड़ी। देख दिखाता हूँ भाई गाड़ी कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है ना काफ़ी जानलेवा सी, इतना मज़ा आ रखा है। बाकी सुबह थोड़ा बता देगा इसका ओवरव्यू कि हमने क्या क्या कराया है और कहाँ से कराया है, तो थोड़ा अपने पास फुटेज है तो मैं वो भी डाल दूंगा फुटेज, और प्राइस बताता हूँ कितने में, मतलब तो कितने में सब कुछ काम हुआ है। अभी यार भैया आ चुके हैं जो यहाँ पे रैप वगैरह करेंगे, तो इनके यहाँ ये हल्क वाला मतलब ग्राफिक है, वैसे हमने कुछ और डिज़ाइन भी दिखाए थे तो वो भी हो जाएगा, बट इनके यहाँ फिलहाल अभी ये वाला है। तुम लोग देखो पूरा ग्रीन कलर का, वैसे लग तो बढ़िया रहा है, भैया कह रहे हैं अभी एक लगा के दिखा देंगे, अगर सही लगता है तो यहीं से करा लेंगे, 1 से 1.5 घंटे मतलब हो जाएगा पूरा काम। तो भाई बाहर से मतलब ऐसे फ्रंट से ऐसे दिख रही है गाड़ी, देखो हमने ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, इसमें हल्क बनाया है और गाड़ी का नाम भी, तुम गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी का नाम भी हल्क है भाई, गाड़ी का नाम भी हल्क ही है, गाड़ी का नामकरण कराया और साथ में ये बनाया है हल्क, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वैसे इसमें एक डिटेलिंग है अभी, यहाँ पर भी था बट वो हमने निकाल दिया क्योंकि वो वैसी अलग लग रहा था बेकार, यहाँ से देखो भाई कितना मस्त लग रहा है हल्क, और साथ में यहीं से करते हैं और थोड़ा ग्रीन जो टिंट है जो भी बोल सकते हैं, ग्रीन टेपिंग यहाँ पे भी करी हुई है हमने, और अभी गाड़ी साफ़ नहीं यार, सर्विस पे जानी है, तो ये भी है ही सीन। बाकी इधर से देखो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हल्क लग रहा है, और अभी बताता हूँ उसकी कॉस्टिंग मतलब कितने में आई है। सो भाई अब शुभम बताएगा उसने कितना गाड़ी में मॉडिफिकेशन क्या क्या कराया है, बाकी बताओ भैया कितना लगा है इसमें। तो अभी हम लोगों ने बाइक में यार करीब 6,500 रुपये लगा दिए इसके हल्के स्टिकर के लिए। हाँ वैसे इसका प्राइस तो थोड़ा कम था, बट हम लोगों ने जहाँ से कराया ना मुल्ला बिल्डिंग से, वहाँ हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया क्योंकि हम लोग को उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। तो अभी मैंने ना इसमें स्टिकर का काम कराया बाइक में, बट जल्दी मैं इसके और मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ, जैसे एग्जॉस्ट लगवाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोग को आने वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाए कि क्या क्या इसमें चेंज हो रहा है। इसमें मोटा मोटा 6,500 का खर्चा हो गया है बाइक में, देख रहे हो बस 6,500 में, तो तुम्हें दिखा ग्राफिक्स का, और इसके ऊपर और पैसा लगने वाला है, एग्जॉस्ट लगेगा, एग्जॉस्ट व्हील का कलर चेंज, और व्हील का कलर चेंज भाई रिपेंट कराएंगे हम, तो वाइजर वाइजर मतलब आगे लगे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है इसमें, जो ऑरेंज है ना व्हील उसको हम कराएंगे नियॉन कलर में या ग्रीन ग्रीनिश कलर में, जो हल्क से मैच करे ताकि गाड़ी पूरी हल्क जैसी बना दे, तो और हो सकता है पेंट कराएं उस पे निकाल के स्टिकर, अब हाँ क्योंकि प्लान हो गया है कि इसको परमानेंट करना है हल्क के जैसा ही, तो बस वो कराने का प्लान है, बाकी यही है भाई।
तो गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारा शूट वूट, और आपने देख लिया होगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट वमेंट करके बता देना, और मैं निकलता हूँ अभी घर की तरफ।